हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकैम। आपका फिर से स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और पिछले वीडियो जो हम लोगों ने बनाए थे आपके हैंड वॉश के लिए और डिश वॉश लिक्विड के लिए, आप लोगों ने बहुत उसको सराहा है और काफ़ी इसके लिए आप लोग की इंक्वायरी भी आई है और काफ़ी लोग लेके अच्छा काम भी कर रहे हैं, धन्यवाद उसके लिए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट के बारे में जो कि डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक के अंदर यूज होता है। और बेसिकली लोग जेनरिक नाम से नहीं बात करते हैं बट फोम बूस्टर्स बोलते हैं कि फोम बूस्टर्स। और मेरे काफ़ी कस्टमर्स हैं पिछले 10-15 दिनों में जिन लोगों ने मुझे कॉल किए और रेगुलर उनकी इंक्वायरी भी आती रहती है कि सर ये फोम बूस्टर हम ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं, एक्स वाई जेड नाम से लेते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं एक बार क्लेरिफाई आप लोगों को करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो फोम बूस्टर्स होता है वो होता क्या है, ठीक है, और ये कौन कौन से फोम बूस्टर्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। देखिए बेसिकली क्या, जो फोमिंग एजेंट्स होते हैं ये वो मटेरियल होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ फोम करते हैं। आपका डिटर्जेंट पाउडर आप बनाते हैं या डिश वॉश बार या डिटर्जेंट केक या लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं। अब बेसिकली जो फोम बूस्टर्स होते हैं सारे फोम बूस्टर्स एक सर्फेक्टेंट होते हैं। आप पहले सर्फेक्टेंट की कैटेगरी को आप समझिए कि सर्फेक्टेंट की कैटेगरी क्या क्या होती है। जैसे आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट हो गए, एनायनिक सर्फेक्टेंट के अंदर जो आपके फोम बूस्टर्स आते हैं वो आती है लापसा, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको हम लोग आम बोल चाल की भाषा में एसिड स्लरी या थोड़ा टेक्निकल भाषा में हम लोग लापसा बोलते हैं। ये डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक का और लिक्विड डिटर्जेंट का मेन कंपोनेंट है, जिससे आपका क्लीनिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है और आपके पानी की सर्फेस टेंशन कम होती है, जिसकी वजह से फोम की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप कभी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपने फॉर्मुलेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट हो गया एनायनिक, जो कि हो गया लापसा। दूसरा प्रोडक्ट आपका हो गया एओएस, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट जो है वो आपके 3 अलग अलग ग्रेड्स में आएंगे। जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में आता है 38% लिक्विड, इसके अलावा 70% के पेस्ट भी आते हैं और 96% के आपका पाउडर भी आता है। अगर जो यूएस बनाने वाली कंपनी आप इंडिया में अगर सर्च करेंगे तो 3-4 कंपनी आपको मिल जाएंगी, जैसे आपका गोदरेज हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका फोगला है आपका मुंबई के अंदर, इसके अलावा आपका खुराना ओलियो केमिकल हो गया। तो कभी भी जब भी आप कोई सर्फेक्टेंट परचेज कर रहे हैं तो आप एज ए फोम बूस्टर्स के नाम से या एक्स वाई जेड के नाम से सर्च मत कीजिए। आप हमेशा देखिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और कौन सी कंपनी बनाती है, क्योंकि ये जितने भी फोम बूस्टर्स हैं ये सारे के सारे कमोडिटी प्रोडक्ट हैं। जैसे सोडा ऐश बनता है आपका, तो इसी तरह से ये भी कमोडिटी प्रोडक्ट हैं। 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो बनाती हैं और ये अलग अलग रेंज में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। अब एवेस की अगर हम बात करें तो एवेस जो लिक्विड फॉर्म में आता है 38% का आता है, जो पेस्ट फॉर्म में आता है 70% का आता है और जो पाउडर फॉर्म में आता है 96% का आता है। तो पहला फोम बूस्टर आपका होगा लापसा, सेकेंड आपका हो गया अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट, जो कि अलग अलग रेंज में आपको मैंने बताया। इसके अलावा आते हैं SLES, सोडियम लोडाइल ईथर सल्फेट, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में आता है 28%, पेस्ट फॉर्म में आता है 70%, पाउडर फॉर्म में आता है 96%। इसके अलावा आपका SLS आएगा आपका 30% का लिक्विड आएगा, अमोनियम लोडाइल सल्फेट भी आते हैं। इसके अलावा आपके कई ऐसे भी फोम बूस्टर्स होते हैं जैसे कोको अमीडोप्रोपाइल बीटिन हो गया आपका, कोको डाई हो गया। तो बेसिकली जैसे आप कभी मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो आपको बुखार की दवाई खरीदनी है तो आप पैरासीटामॉल खरीदते हैं, इरिस्पेक्टिव आप की कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं, आप डोलो खरीद रहे हैं या क्रोसिन खरीद रहे हैं या कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी भी सेलर से फोम बूस्टर्स, जब वो कहता है कि हम एक आपको फोम बूस्टर्स ऑफर कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि सर ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है, ये क्या अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट है, ये लापसा है, ये एनायनिक सर्फेक्टेंट है, नॉनायनिक है या कैटायनिक है। आप फोम बूस्टर्स के नाम से कोई भी प्रोडक्ट ऐसे परचेज न करें जिसमें आपको ये ना पता चले कि इसका एक्टिव कितना है, ठीक है, इसका पीएच कितना है, इसके स्पेसिफिकेशंस कितना है, क्योंकि जितने भी आपके सर्फेक्टेंट होते हैं या जो भी आपके फोम बूस्टर्स होते हैं ये सारे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट लेके अपनी फॉर्मुलेशन में डालेंगे तभी आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो ऑलवेज कभी भी खरीदने के पहले आप समझिए कि आप क्या खरीद रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सा सर्फेक्टेंट खरीद रहे हैं, वो सर्फेक्टेंट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एनायनिक है, नॉनायनिक है, कैटायनिक है, ये आप समझिए।
और उसका स्पेसिफिकेशन जरूर मांगिए, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, ताकि आपके पैसे का वैल्यू फॉर मनी आपको मिले और आप जो प्रोडक्ट अपनी फॉर्मुलेशन में डालेंगे उससे आपके रिजल्ट भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। सर्फेक्टेंट के अलावा आपके काफ़ी को सर्फेक्टेंट भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कोकोमिडियो प्रोपाई बीटेन हो गया, और लाप्सा के अंदर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें भी दो तरह की कैटेगरी आती है, एक 90% की आती है और एक 96% की आती है। अभी मार्केट में बहुत सारे लाप्सा के रिप्लेसमेंट भी हैं, कई कंपनी ऑफर कर रही हैं, जैसे जो इंडिया की एक बड़ी टॉप की कंपनी है रोजारी बायोटेक, उनके पास भी लाप्सा का रिप्लेसमेंट है। तो आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी ऑफर करती है उस कंपनी की डिटेल्स पूरी की पूरी जानिए, ठीक है, और जानने के बाद कंपनी की स्ट्रेंथ को भी समझिए, उनकी टेक्नोलॉजी को भी समझिए कि ये प्रोडक्ट ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। हम लोग डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम जो भी केमिकल्स परचेज करते हैं, ये इसके बेसिक केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स बनाने वाली सारी कंपनियाँ काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। वो छोटे लेवल पे आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो इस तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट वाले ये प्रोजेक्ट हैं। तो कभी भी आपको कोई परचेज करना हो तो हमेशा कौन सा सर्फेक्टेंट परचेज कर रहे हैं और किस कैटेगरी का परचेज कर रहे हैं, साथ में आप स्पेसिफिकेशन जरूर मांगिए। आपको कभी किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए, समझने में कोई दिक्कत आए, हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हम लोगों से बिना किसी चार्ज के नॉलेज गैदर कर सकते हैं। हमारा खाली एक ही मानना है कि आप जो भी काम करो आप अच्छे से काम करो, और आप 2 रुपये भी अगर अपना खर्चा करो तो 2 रुपये का आपको वैल्यू फॉर मनी आपको मिले और आपका प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बने। थैंक यू।